अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं, और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूअर्स को भी खुश रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। तो सबसे पहले सुबह का हसीन नज़ारा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, और दुआ फातिमा जो है ना वो उठ बैठी हुई है, वो हमें बुला रही है। जी बोलो क्या बात है? बाकी बच्चा लोग जो है ना, हाँ जी दुआ फातिमा क्या हुआ? दूध ख़त्म हो गया? ओ दूध तो है इसमें, पी लो। अभी इसको फिल्टर में दूध डाल के दिया है और ये बुला रही है कि दूध ख़त्म होने वाला है। और सीरत फातिमा आप उठ गई हैं या अभी सो रही हैं? ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ओए अस्सलाम वालेकुम। ओए 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 सो जाओ। अभी सीरत फातिमा जो है ना वो कह रही है अभी मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे सोने दो, मुझे कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे भाई। तो वो सो रही है, और चल के किचन में देखते हैं बेगम साहिबा सुबह की रूटीन वो किस तरह उन्होंने शुरू की हुई है। तो इस आज माशाल्लाह से धूप जो है ना बहुत ही प्यारी लगी हुई है। देखिए ये मस्जिद के मीनार पे भी काफ़ी धूप पड़ रही है, और ये देखें मस्जिद की टाइलों पे धूप पड़ती है ना तो कैसे जगमगा रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह जी। नहीं अच्छा, तो ये देखें ये बच्चा हमारे गांव का है, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो शिराजी विलेज विलॉग वाला बच्चा जो है ना वो होता है ना, तो वो हमारे गांव में आ गया है अभी। ये देखें ये हमारे गांव का बच्चा है, बिल्कुल सेम उसी तरह इसकी शक्ल लग रही ना जिस तरह शिराजी विलेज विलॉग वाला बच्चा जो है ना वो होता है, उसमें शिराजी का विलॉग फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह बच्चा लग रहा है। वह फातिमा जो है ना वो माशाल्लाह से आ गई है भी। अभी ये इसके बाल देखे कैसे बिखरे हुए हैं, जिन पापा बना हुआ है भाई जी। हाँ अच्छा, तो चल के देखते हैं अभी किचन में क्या रूटीन इस वक्त चल रही है जी। अस्सलामुअलैकुम। तो ये देखे माशाल्लाह जी हमारे किचन में सुबह की रूटीन शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर जो है ना क्या किया जा रहा है भाई, दूध गर्म किया जाए, चाय बन रही है भाई। चाय माशाल्लाह दूध रख दिया गया, और अब इसमें जो है ना पत्ती वगैरह डाल के जो है ना वो चाय बनाई जाएगी। और गुड मॉर्निंग हो गया जी आपको भी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। से पहले जी ये पल्ला उतार देते हैं ताकि सुबह सुबह ये प्यारी प्यारी धूप जो है ना सूरज की ये सामने किचन में आएगी, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माहौल बन जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो हम लोगों ने आज अपने सुबह का आगाज कर दिया है, और सुबह सुबह आज जो है ना हमने सोचा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जो है वो इस्तेमाल करें। लोगों ने सुबह जो है ना मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई थी, और पता क्या हुआ कि हमारी जो लकड़ियाँ थी वो गीली थी, आग नहीं जली, इसलिए आज हमने उधर आग जलाई, क्योंकि उस चूल्हे का ये फायदा होता है उसमें गीली लकड़ियाँ जो है वो जल जाती है। जी बोलो। इसलिए हमने उधर आग जला रही है, और इस जो है ना वो दिया। नहीं वो ठीक है, उस पे जो है ना कम लकड़ियाँ होना तो फिर भी जो है ना आंधी रोटी हो जाती है। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि उसी चूल्हे पे आज जो है ना काम स्टार्ट करते हैं। हाँ इस चूल्हे में ये होता है कि अगर गीली लकड़ियाँ भी हो तो वो भी जल जाती हैं। हाँ। तो हमारे दोस्त जो है ना वो आकर चले गए हैं, और आते हैं चले जाते हैं। दोस्त हमारे कौन से हैं कि वो यहाँ पे परिंदे जो जिनको हम रोटी डालते हैं छत के ऊपर, तो वो हमारे भी दोस्त हैं, वो काफ़ी देर पहले आए थे इस वक्त। ये देखिए अभी उड़ गई है एक चिड़िया, उड़ गई है, और अब और भी शायद बैठी होंगी, तो चल के देखते हैं अभी। ये देखें नहीं ये अभी उड़ गई हैं, थोड़ी देर पहले आई थी, काफ़ी चिड़िया मैंने आपको दिखाई भी थी, तो वो आई थी आकर चली गई हैं, क्योंकि वो उनको इंतज़ार था कि रोटी अब शायद डालने का टाइम हो गया है, लेकिन आज हमें थोड़ी सी हो गई है लेट, हम लेट उठे थे, तो इसलिए जो है ना वो भी आए हैं परिंदे, चक्कर लगा कर चले गए हैं। जी बोलो। हाँ क्या हुआ? ये देखें ये इसका काम होता है, आती बुलाकर चली जाती है क्या? ये बच्चों का भी ये अपनी स्पीड में भाग रही है भाई। लेट उठने की वजह ये थी कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। हाँ इसलिए हम लेट थे। हाँ आज है बच्चों को छुट्टी हमारे पूरे ज़िले में, तो ज़िले के स्कूलों में छुट्टी है, वो इस वजह से है कि हज़रत करमा वाला सरकार का जो ना उर्स होता है हमारा उकाड़ा सिटी में, तो इसलिए उस वजह से जो है ना हर साल छुट्टी की जाती है।
तो इसलिए बच्चों ने स्कूल जाना नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो भाई आज हाँ जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमने पढ़ी है, नमाज के टाइम पे हम उठे थे, उसके बाद फिर हम गप्पे लगाने शुरू कर दी थी हमने, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। तो आज नाश्ते में क्या है भाई? आज नाश्ते में हमने रात को सब्ज़ धनिया की चटनी बनाई थी, हाँ, वो भून कर उसमें अंडा डाला था, सही, साथ में वो अगर पराठे हो गए। हाँ कैसे हाथ गरम करते हैं? करो कैसे? ऐसे आप भी करें, नहीं है आप तो आप फातिमा अपनी मम्मा को दिखा रही भी हाथ किस तरह सेके जाते हैं, और वो बता भी रही है ना साथ में भी, आग नहीं इधर जले रही है। हाँ जी, तो माशाल्लाह नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। नाश्ते में जी आज धनिया की चटनी हमने बनाई थी और इसमें डाला था जी अंडा, और साथ में है जी मज़ेदार किस्म के पराठे और वाटर। तो ये हमारा नाश्ता है जी सुबह का, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना आपसे गपशप लगाते हैं। तो नाश्ता हमने कर लिया और दुआ फातिमा जो है ना वो बर्तन लेकर आ रही है। अभी ये देखें मेरे बर्तन, मैंने नाश्ता किया तो उसने कहा कि मैं बर्तन आपको ले चलती हूँ, तो उसने आपी मानोर को ला कर दिए। पहुँचाए हो भाई सच्ची। और ये साथ में हमारी चाय भी माशाल्लाह से तैयार हो गई है, और तैयार चाय होने के बाद हमने दूध इसके ऊपर रख दिया है। मानोर आपने नाश्ता कर लिया है? अभी चल के देखते हैं अभी बेगम साहिबा वो क्या कर रही हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो चूल्हे हैं ना वो उनका काम कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें माशाल्लाह से दो चूल्हे तैयार हो चुके हैं भाई। इनका डिज़ाइन जो है ना कुछ इस तरह सा रखा है, बिल्कुल सिंपल है अभी तक। इनके ऊपर पोछा लगेगा, फिर इनके ऊपर जो है ना कलर वगैरह करेंगे, तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इनका डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन हमारे कस्टमर जो है ना वो हमें इतना काम करने तक पहुँचने ही नहीं दे रहे भाई। वो कहते हैं पोछा भी ना लगाओ, कलर भी ना लगाओ, कुछ भी ना करो, बस सिंपल हमें तैयार करके भी दे दो। इतनी जल्दी है हमारे कस्टमर को ये चूल्हे ले जाने की भी, तो वो कहते हैं कुछ भी ना करो, इसी तरह हमें एक ढांचा बना कर दो और तैयार हो जाए। कलर वगैरह छोड़ो सब, हम इसको पोछा वगैरह रहने दो, कुछ भी ना करो, सिर्फ़ हमें ये तैयार करके दो। क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है ये बहुत ही कम ईंधन लेता है। ये डिज़ाइन इस तरह का किया हुआ है कुछ कि ये जो है ना डिज़ाइन एक तो हमारे इलाके में बहुत ही यूनिक किस्म का ये डिज़ाइन है, बहुत ही कम लोग ये बना सकते हैं चूल्हा। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो खूबी है ना, खूबी वो ये है कि ये ईंधन बहुत ही कम लेता है। इसके ऊपर आप जो है थापियाँ होती हैं, थापियाँ उनके ऊपर भी आग जला सकते हैं, रोटी सालन कर सकते हैं। जो दो चार थापियाँ लगाओ एक टब्बर की जो है ना रोटियाँ बन जाती हैं। तो ये अंदर इसकी बनावट भी एक यूनिक किस्म से की जाती है। और ये इसका जो है ना पहला जो यानी कि ना स्टार्टिंग डिज़ाइन है, ये स्टार्टिंग डिज़ाइन है, ये तीसरे चूल्हे का तैयार है और ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको सिर्फ ना इसका थोड़ा सा मुख्तलफ है डिज़ाइन। ये देखें ये इसके जो मोडे होते हैं ना, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलफ है और ये इसके मोडे थोड़े से और स्टाइल के रखे हैं। बाकी तकरीबन ये सिंपल सिंपल है, वज़नी ये माशाल्लाह काफ़ी होता है। तो ये इस तरह के हमने बनाए हैं जी। तो और चल के देखते हैं आप बेगम साहिबा अंदर क्या कर रही हैं अभी। अस्सलामु अलैकुम ईमान फातिमा, कपड़े इस्त्री कर रही है। और ओए ना 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 ऐसा नहीं करते, ना तार को हाथ नहीं लगाते। तो ईमान फातिमा कपड़े इस्त्री कर रही है, और बेगम साहब आप क्या कर रही हैं भाई? जी हाँ माशाल्लाह, तो ये सीरत फातिमा को आज कपड़े निकाल कर दिए हैं पहनाने हैं। तो हम जा कहाँ रहे हैं ये आपको हम बताएंगे। हाँ अभी नहीं बताना, ईमान फातिमा को बता दिया है। अच्छा, तो ये दुआ फातिमा के लिए भी कपड़े निकाले हैं और ये सीरत फातिमा के लिए, ये देखे माशाल्लाह से। तो आपने कौन से पहने? मुझे कोई भी से भी दे दो। तो आप जल्दी कर लें, देर ना करें, क्योंकि सफ़र हमने काफ़ी करना है तो लेट हो जाएगी सर। हाँ निकाल दें तो फिर लेट हो जाएगी जी। हाँ आप भी पहन लें, पहन हाँ हाँ ठीक हो गए माशाल्लाह। तो बाकी कपड़े वगैरह जो ना दुआ के इस्त्री हो रहे हैं, और ये मेरे कपड़े निकाल दिए, नहीं ये बेगम साहबा के, ये मेरे कपड़े मेरे कपड़े निकाल दिए। तो आप जल्दी कर लेना, बस एक एक मैंने कहा साथ ले चल देना। हाँ काफ़ी है, बच्चों का एक एक लेते चल लेना।
ये मोहम्मद अंसी कायदा पढ़ रहा है, इस तरह कायदा पढ़ते, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? 9 8 6 4 2 7 5 3 1 0 ठीक हो गया, शाबाश जी। तो अब हम तैयारी करती हैं जाने की, काफ़ी देर हो गई है, तो हमने कहा जी हम तैयारी करते हैं, बच्चे मजाक करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।